और सबसे पहला तो इनका थैंक यू, क्योंकि जैसे मैंने व्हाट्सअप स्टोरी डाला था तो इन्होंने बताया था कि मेरे पास आ जाओ, अपने पास एक काम करने वाला है तो आपको करके देगा। तो भाई बोलते ना, आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि एक यूट्यूबर की लाइफ में बाकी भी बहुत सारे काम रहते हैं कार और बाइक ड्राइविंग और ट्रैवलिंग के सिवा, तो क्या है वो मैं बताता हूँ। बट अगर आपने मेरी मानसिक घाट वाली वीडियो ना देखी हो तो जाके देखो, कल ही जाके आया था और आज सुबह मैंने वीडियो अपलोड कर ली है, तो आपको मिल जाएगी मेरे यूट्यूब चैनल शिरीष व्लॉग्स पे। और दूसरी चीज़ भाई, 330 किलोमीटर चली अपनी स्कूटर बर्गमैन जिसको बोलते हैं, भाई ज़बरदस्त, मतलब ज़बरदस्त चली, और क्या बताऊँ क्या मज़ा ही है चलाने में। जैसे ही मैं गाड़ी पार्क करता हूँ ना भाई, तो ये सब पहले डाल देता हूँ क्योंकि अपनी गाड़ी गंदी नहीं होनी चाहिए, और बोलते ना बच्चे लोग भी गंदी कर देते, इसके लिए ये सब मैं कर लेता हूँ। आप लोगों को मैं बताता हूँ कि भाई देखो, 330 किलोमीटर गाड़ी चली अपनी, 322 लिखा हुआ है पर 330 पकड़ ही लो ना। तो अभी मैं बाइक से कहीं बाहर जा रहा हूँ, तो जो भी मेरा आज का रूटीन है वो आप लोगों को मैं दिखाते जा रहा हूँ। हम जा रहे हैं बैंक, क्योंकि बैंक में थोड़ा बहुत काम है, मैंने पप्पा को काम करने दिया था बट बैंक वालों ने बोला भाई रूल्स एंड रेगुलेशन बदल गया है, जिसका अकाउंट है उसको आना पड़ेगा और साइन बाइन करना पड़ेगा और चेहरा वेहरा दिखाना पड़ेगा। बोला चलो जाके आते हैं, मिल के आते हैं। बैंक वाले बोलते आज ट्राई किया, आज कुछ काम नहीं होगा, बट बैंक का दरवाजा खुला है और थोड़े बहुत आ रहे जा रहे, क्या बोलने का, बैंक वाले लोग को भी भाई स्ट्राइक करते। और अभी चलते हैं हमारे मैकेनिक तौसिफ के पास, और मैं बताता हूँ क्यों जा रहा हूँ। सबसे बड़ा रीज़न है भाई, अपनी जो बर्गी स्कूटर है उसका गार्ड है ना, मैं बनाता हूँ बोले तो मैकेनिक ही बनाता है, बट मैं ऑर्डर लेता हूँ क्योंकि उसको कुछ क्षमता है नहीं ऑनलाइन। तो लोग है ना मुझे रिक्वेस्ट करते थे कि भाई गार्ड बना के दो, तो मैंने उससे बात की थी तो उसने बोला था भाई आप पैसे दोगे ना तो मैं गार्ड बना के क्यों नहीं दूंगा। दो गार्ड बनाए अब तक, एक आसाम में गया, एक मुंबई में गया, तीसरा गार्ड है जो अभी कोलकाता जाने वाला था, वेस्ट बंगाल, बट भाई ने पैसे ले लिए बट अभी 3 महीने हो गए काम करके नहीं दे रहा है, कल हो जाएगा करके 3 महीने लगा दिए। तो अभी बोलते ना यार मेरे दिमाग की भी सटक गई है, सामने वाला बेचारा दुबई से आया है और उसको जाना था कहीं बाहर, मतलब घूमने के लिए वो 1500 किलोमीटर घूम के आया अपनी बर्गमैन से, इसके लिए वो गार्ड बना रहा था बट ये भाई साहब ने बना के नहीं दिया। और मैं भी मेरे काम में बिज़ी रहता हूँ, जॉब करने में बिज़ी रहता हूँ, तो बोलते ना कि टाइम नहीं मिल पाता, और ये भाई साहब कल करता हूँ करके अभी तक 3 महीने हो गए। तो अभी जब से ना कोई मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करता ना भाई मुझे गार्ड चाहिए, तो मैं इसलिए बोल देता हूँ भाई, रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं बना के नहीं दे सकता, अगर कोई दूसरा मैकेनिक मिला जो बना के दे सकता है तो ही मैं आप लोगों को वापस एक वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा कि बना के दे सकता है। तो अभी सीधा मिलते हैं मैकेनिक के पास और देखो हम लोग क्या बातचीत करते हैं। क्या हुआ, गार्ड बनी नहीं रहा क्या? अरे नहीं, उसने आगे करके पीछे क्लियर भी कर दिया। क्या कैसा चलेगा यार, 3-3 महीना, 2 दिन तूने बोला था, 2 महीने के 2-3 महीना हो जाएगा, कैसा चलेगा? अरे वो उसने आगे का किया ही नहीं। क्या करने का अभी तू बता, तू मेरे को जो हर बार बोलता था ना क्या करूँ मैं, अभी मैं क्या करूँ बता। तूने बोला तूने संडे को गया, बोला हो गया, मंडे में काम पे नहीं आया, ट्यूसडे लेके आता हूँ। अभी ऐसा हो गया ना कि तौसीफ में पैसे दे के फंस गया और मैं काम करके फंस गया, तब से मैंने बंद कर दिया, अभी सबको ना ही बोल दिया मत बनाओ भाई गार्ड, क्योंकि होता नहीं मेरे पे आता है वो कोलकाता वाला, मेरे को अभी क्या बोलूँ, उसका भी लिमिट टूट गया, वो मेरे को अभी सुना रहा है। अभी सबर का बोलते ना एक लिमिट पूरा टूट गया है, सबर बोले तो एकदम टूट गया, कोई इतना रुकता ही नहीं है, फिर भी मैं रुका, चल ध्यान दे कोई बात नहीं, एक हालात समझ में आता है, हालात क्या, ये तो पूरा बोलते ना बर्बाद ही हो गया। क्या बोलूँ अभी मैं तेरे को, क्योंकि ये तूने वर्ड कितनी बार मेरे को बोल चुका, तो अभी ट्रस्ट भी नहीं होता तेरे को, मैं बोलता हूँ तो तू बोलता है अरे भाई मैं क्या करूँ। तो सुना आप लोगों ने मैकेनिक की कहानी, क्या बोलने का ना यार, शी अपनी बियर्ड थोड़ी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है तो भाई वीडियो में अच्छी नहीं लगती, इसके बियर्ड करा रहा हूँ, और ये अपना अच्छा वाला करता है, और इसकी मैंने एक वीडियो भी बनाई है तो मैं एंड स्क्रीन या आई बटन पर रख दूंगा, तो जाके देखना, और मेरे लिए तो ये बेस्ट है, मैं पिछले अभी कितने 5 साल 5 साल से मैं कंटिन्यू आ रहा हूँ, तो बोलते ना एक जगह का हाथ सूट हो जाता है तो अच्छा लगता है, और इसको सब पता है कि मतलब हेयर कट कैसे करना है, सैलून में ये दाढ़ी वाढ़ी कैसे करना है, डिटेन ब्लीच फेशियल हेयर स्पा सब कुछ ये करता है। तो मैं तो जैसे ही लॉकडाउन हुआ था तो थोड़ा बुरा लग रहा था,
बट जैसे ही लॉकडाउन खुला और सबसे पहले मैं इसकी शॉप पे आया और ये पूरा काम करवाया तो बहुत अच्छा लगा था मुझे। तो वीडियो मैं एंड स्क्रीन पे रख दूंगा तो जाके देखना। और अभी तो पहले बियर्ड ट्रिम कराना है और कहीं और भी जाना है। अब मैं यहाँ थोड़ा बॉम्बे की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि इंश्योरेंस ऑफिस में जाना है, अपनी बाइक का कुछ प्रॉब्लम हो गया है तो इंश्योरेंस चेक करना है। तो एजेंट वाले लोग से बात किया तो बोलते हैं यार मुझे पता नहीं है, अब हेड ऑफिस में बात करो। इसके लिए अभी मैं जा रहा हूँ, एक अपना पहचान वाला है उसको थोड़ा कुछ ज़्यादा ही नॉलेज है इंश्योरेंस के रिलेटेड, और इससे आगे भी अपनी जो गाड़ी थी उसका इंश्योरेंस भी उसके पास कराया था तो वो मुझे अच्छी तरह गाइड करता था। तो मैं बोला पहले उससे विज़िट करता हूँ, अगर वो मुझे बोलता है कि हेड ऑफिस जा तो ही जाता हूँ, वरना अपना बोलते ना नज़दीक में काम हो जाता है तो दूर जाने की क्या ज़रूरत। तो जो मेरा जान पहचान वाला इंश्योरेंस वाला है ना उसके पास जा रहा हूँ तो अपने ये गाड़ी के रिलेटेड कुछ बात करनी की है तो कर लेता हूँ। क्या होता है कि काम में बिज़ी हो जाते हैं ना तो फिर ये छोटे मोटे काम है ना भूल जाते हैं, और यार बाइक का ना इंश्योरेंस करवा लो क्योंकि अभी अपने रूल्स है ना बहुत बदलते रह रहे, तो कब फंस जाए कौन सी चीज़ों में और कब अपने को इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़े पता नहीं। कभी बाइक चोरी हो गई और इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ी तो, और मेरा इंश्योरेंस बोलते ना वो वैलिड नहीं रहा, ऐसे सब लोचे होते हैं। इसके लिए मैंने सोचा पहले चले ही जाता हूँ। तो जैसे ही मुझे टाइम मिला तो मैंने बोला चलो यार मौके पे चौका मारो, चलो इंश्योरेंस वाले के पास। तो अभी इंश्योरेंस वाले के पास जा रहा हूँ मैं। पहुँच गया मैं इंश्योरेंस वाले की ऑफिस में, बट पार्किंग अपने को प्रॉपर करनी पड़ेगी वरना बोलते ना आते जाते सबको तकलीफ होगी तो भाई चिल्लम चिल्ली हो जाएगी। जो काम करने आए थे इंश्योरेंस का हो गया, मेरा नया इंश्योरेंस ये है पुराना इंश्योरेंस, दोनों कॉपी रखना है। और एक मुझे पता चला डीजी लॉकर करके ऐप रहता है उसमें सब ये डॉक्यूमेंट सेव करके रख देने के, तो जब भी पुलिस वाला पकड़े तो बस सिर्फ वो डीजी लॉकर खोलो और सब दिखा दो तो काम हो जाए। और अभी तो प्यास लगी तो पानी पी लेता हूँ। यहाँ पे आया तो सोचा दोस्त से मिल लूँ, तो ये है मेरा दोस्त सामने। बढ़िया काम करके अभी यहाँ से जा ही रहा था घर पे, मैं बोला मिल लेता थोड़ी देर। इंश्योरेंस कराने आया था। अब जो देख रहे हो अपना हेडफोन वाले में ना टूट गया था, उसका काम करवाने आया था मैं एक जगह, क्योंकि मैंने व्हाट्सअप पे मैसेज डाला था तो मुझे बोला था कि भाई अपने यहाँ पे होता है। तो ये दिवाली पहले की बात थी बट अपने पास टाइम नहीं था, जैसे मैं खानवेल रिसोर्ट गया था और बाकी भी ट्रैवल कर रहा था तो टाइम नहीं था, बट जैसे ही टाइम मिला तो ये अपना काम कराने आ गया। और ये भाई की शॉप है तो ये प्रोटीन भी बिकता है और बहुत कुछ बिकता है, तो मैं यहाँ से खरीदता भी हूँ और मुझे अच्छा खासा डिस्काउंट देते हैं। आप लोगों को भी खरीदना रहेगा तो खरीद सकते हो। और साथ में मेरे को अभी फिलहाल तो देखो फ्रूट मिला है अच्छा खासा खाने के लिए तो खा रहा हूँ। और उनके वहाँ पे ये कारपेंटर भाई साहब है जो अपना अभी ये हेडफोन प्रॉपर अच्छा ठीक करने वाले, तो अपना पैसे बच जाएंगे। तुम्हारा वायर नहीं, अंदर वायर नहीं है, ओपन है ना, वो साइड पे ले लो वायर को। हाँ मैं पकड़ा हूँ ये अपना, ये हेडफोन बन गया भाई ये देख लो, और ये चल भी रहा है, एक्टिव भी है अच्छा खासा इन्होंने बनाया। सो थैंक यू वंस अगेन, पैसे तो दे ही दूंगा थैंक यू के साथ, पैसे भी दूंगा, ऐसा नहीं कि थैंक यू खाली बोल के चले जाऊंगा। भाई साहब बोले थैंक यू मत बोलो, पेमेंट तो पेमेंट। और सबसे पहला तो इनका थैंक यू, क्योंकि जैसे मैंने व्हाट्सअप स्टोरी डाला था तो इन्होंने बताया था कि मेरे पास आ जाओ, अपने पास एक काम करने वाला है तो आपको करके देगा। तो भाई बोलते ना मैसेज डाला है, इन्होंने सामने से अच्छा खासा रिप्लाई दिया अपना समझ के, और ये अपना आज रेडी हो गया। तो इनकी शॉप है पूरी, ये देखो पहले भी मैंने बताया वापस वंस अगेन सब बता देता हूँ। प्रोटीन है, सप्लीमेंट है, उसके अंदर फ्री वर्कआउट भी मिल जाएगा आपको, अपना स्पेक्स का भी है। तो नीड डू लेट अस नो, इट्स अपोजिट अस्मिता क्लब, वी आर डीलिंग इन स्पेक्स, वी आर डीलिंग इन सप्लीमेंट एवरीथिंग। सो वंस यू विल कम ओवर हियर श्योरली यू विल गेट अ। और किसी को चाहे तो भाई शेकर भी है, जरूरी नहीं है खाली डिकैथलन में जाओ और वहाँ से लो, यहाँ पे भी अच्छी क्वालिटी का मिलता है भाई। और सबसे बड़ी बात बताओ ये भाई साहब है ना, इसमें से जो मुझे जरूरी लगता है वो प्रोटीन लेके जाते हो और अच्छा खासा डिस्काउंट देते हैं भाई। अगर जब आप आओगे मेरा नाम लोगे तो आपको भी थोड़ा बहुत तो दे ही देगी डिस्काउंट, ज्यादा ही मिलेगा। अच्छा ज्यादा ही मिलेगा, सामने से बता रहे हैं। पक्का। तो है ना जो भी उनका एड्रेस है ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से चेकआउट कर लेना। तो आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बताया कि जब ब्लॉगर ट्रैवल नहीं करता तो वो क्या करता है। तो बाकी तो आज सुबह हो चुकी है और मुझे निकलना था गुजरात, सुबह मैं 5 बजे निकल जाता हूँ क्योंकि फाउंटेन पे बहुत ट्रैफिक रहती है। बट जैसे सबको हालत मालूम है कि कोरोना में क्या है, तो गुजरात में कर्फ्यू लग चुका है। एंड दूसरी चीज़ मैं एवरी विंटर में है ना गुजरात जाता हूँ क्योंकि विंटर जो ठंडी रहती है ना उसको महसूस करने के लिए, और अपना वहाँ पर घर भी है तो विज़िट कर लेता हूँ।
बट आप लोगों को मालूम है कि कोरोना की क्या सिचुएशन है, तो गुजरात में क्या एक कर्फ्यू है, एंड दूसरी चीज़ गुजरात से जब मैं रिटर्न में महाराष्ट्र में आऊँगा तो मुझे कोविड 19 टेस्ट कराना पड़ेगा। तो फैमिली वालों से बातचीत करी तो बाद में बोला कि नहीं जाते, पोस्टपोन कर लेते, कोरोना की हालत जब ठीक हो जाएगी तब जाएंगे। तो बोल देना गुजरात जाने का मेरा जो प्लान था वो कैंसिल हो चुका, और रन ऑफ कच्छ भी जाने वाला था मैं, बट वो भी प्लान कैंसिल हो गया। बट क्या करूँ, लेट्स सी, आगे कुछ ना कुछ प्लान तो बन ही जाएगा। महाराष्ट्र में तो घूम ही सकते हैं, तो महाराष्ट्र का कुछ प्लान बनाएंगे। तो आज का वीडियो मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, बट आज के वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, मुझे अच्छा लगेगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग, कीप मोटिवेटिंग एंड बी सेफ।